पाकिस्तान चैंपियंस कप, आई मीन पाकिस्तान धोखा कप आज शुरू होने से पहले ही एक्सपोज हो गया। मैं कब से बोल रहा हूँ, ये जो चैंपियन कप का जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका कोई फायदा नहीं है, ये फजूल है। और ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स निकल आएंगे यहाँ से, ये होगा वो होगा। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी है ना, ये हमारी PSL है। अब ये जो टूर्नामेंट है ये उससे भी बड़ी बर्बादी है। जो तो सभी क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये चैंपियंस कप का मैयार अगर तय करेगा कि पाकिस्तान की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, तो फिर हम कोई उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी हाइप बना के रखी थी, जिसके लिए आपने रेड बॉल का टूर्नामेंट इग्नोर किया क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, आपने ये कप लेके आए जिसकी वजह से आपने वो हार छुपाने की कोशिश की अपनी वर्ल्ड कप की, जिससे आपने जो है ना बांग्लादेश की हार छुपाने की कोशिश की। हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में क्रिकेट को ठीक करने के लिए, मगर जब ठीक होगी, जब सिलेक्शन कमेटी ठीक होगी, जब प्लेयर्स को वो मोटिवेशन मिलेंगी, प्लेयर को टफ कंडीशन मिलेंगी, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस उनको वैसी मिलेंगी, उनको वैसा मैदान मिलेगा क्रिकेट खेलने का जहां वो डट के मुकाबला दूसरी टीमों में जाके अवे सीरीज में जाके मुकाबला कर सके। तो ये आपका बैलेंस है टूर्नामेंट का। कब तक आप झूठ बोलेंगे, कब तक आप लोगों को पागल बनाएंगे? आपसे कुछ नहीं होने वाला और आप सिर्फ अब ये करेंगे, आपके जो मेंटर्स हैं उनकी मजबूरी है इसके बारे में पॉजिटिव बोलना, वो इसलिए कि वो 50-50 लाख रुपया वो तनख्वाह ले रहे हैं। हाल चेक कर लो इस मुल्क का, जहां पे खाने के पैसे नहीं है वहां पे इस तरीके से इन मेंटोर्स को पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद जो हिसाब लगा लो, वो जो कोचेज हैं, वो सब कुछ है। क्या क्वालिटी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि ये मिनी PSL है, बल्कि तमाम कप्तान जो इसमें खेल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये मिनी PSL है, और जो क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हैं वो भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, मगर सभी क्रिकेटर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपने इतना हाई प्रोफाइल जो आप कह रहे हैं टूर्नामेंट है उसमें आपने एक्सपोज किया सबको, बॉलिंग का स्टैंडर्ड देख रहे हैं आप, मुंह में रख रख के बॉलिंग देख रहे हैं, वाइड शॉट इधर से वाइड कटे खा रहे हैं, ये आपके स्टैंडर्ड है। थर्ड क्लास क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बोर्ड को ये जो एडवाइस दी थी ना कि यार ये टूर्नामेंट करवाते हैं, वो एडवाइस बेसिकली इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए की थी कि हम मेंटोर बन जाएंगे, हमें नोट मिल जाएंगे, हमें 50-50 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है बाढ़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप से पाकिस्तान क्रिकेट एक नए रुख की तरफ जाएगी, मगर साबिक क्रिकेटर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। मैं जिस केस से आज एंटर हुआ हूं, जहां से जो टीमें एंटर हुई हैं लायंस और स्टैलियंस की, दोनों टीमों को वहां से गुजरना था, लेकिन आपको एक भी ऐसा बड़ा बोर्ड वहां दिखाई नहीं दिया, एक भी फ्लैक्स वहां दिखाई नहीं दी जिससे ये लगे कि यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मल इवेंट जैसे होते हैं उस तरह से इवेंट हो रहे हैं। शहर के अंदर मैं कल रात से घूम रहा हूँ, मुझे 2-4 बड़े जो बोर्ड हैं उसके अलावा मुझे कहीं पर भी होर्डिंग बोर्ड दिखाई नहीं दिए। सिर्फ ये तनवीर अहमद का काम है जो टीवी में बैठ के सच बोलने की कोशिश करता है, बाकी तो हर क्रिकेटर लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बड़ा अच्छे काम कर रहा है। खेलते थे जब पाकिस्तान से उस टाइम गालियां देते थे इन सबको, अब जब क्रिकेट बोर्ड में है तो इनसे अच्छा कोई जो है वो काम ही नहीं है। फैसलाबाद के लोग जाहिर क्रिकेट स्टाफ भी हैं, क्रिकेट के लिए तरसे हुए हैं, तो अच्छा एक हाइप बना हुआ है। अल्लाह करे कि इससे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी प्रोड्यूस हो, ये पाइप ड्रीम वाली बात ना हो जाए। बिल्कुल डिजायर्ड रिजल्ट्स की जहां तक बात नहीं दोस्तों, तो दोस्तों जो पाकिस्तान में चैंपियंस कप हो रही है वो इतनी बेकार और घटिया कप है, जिसको लेकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सोशल मीडिया पर बातें करना स्टार्ट कर दिए हैं कि ये PCB सब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड कर रही है। PCB वही करेगी जो उनके मतलब जो करता रहता है, जो उनके साथ खिलाड़ी मिले रहते हैं उन्हीं को टीम में रखेगी, लेकिन ये फ्रॉड कर रही है पाकिस्तानी उन खिलाड़ियों के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में एक चैंपियंस कप के नाम से टूर्नामेंट हो रही है, और वहां के पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जब इस तरह से बातें कर रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होता होगा। जिस तरह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हाल हुआ है पाकिस्तान मतलब इंटरनेशनल मतलब टूर्नामेंट में, उसी तरह से इन पाकिस्तानियों का डोमेस्टिक भी पूरी तरीके से तबाह हुआ है। पाकिस्तान चैंपियंस कप, आई मीन पाकिस्तान धोखा कप आज शुरू होने से पहले ही एक्सपोज हो गया। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी हाइप बना के रखी थी, जिसके लिए आपने रेड बॉल का टूर्नामेंट इग्नोर किया क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, आपने ये कप लेके आए जिसकी वजह से आपने वो हार छुपाने की कोशिश की अपनी वर्ल्ड कप की, जिससे आपने जो है ना बांग्लादेश की हार छुपाने की कोशिश की, और 5 हाई प्रोफाइल कोचेज आप लेके आए जिनको आपने जो है ना 50 लाख महाना पे रखा है और इतनी हेफ्टी सैलरीज पे रख के आपने पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर दिया, और आपने कहा कि ये पाकिस्तान चैंपियंस कप जो है, जो कि धोखा कप है, इसको आपने लॉन्च करना है। इसके बारे में आपने बोला था कि आपको मीडिया पे आके आपने बोला था कि इस कप के बाद आपको आप देखिएगा रिप्लेसमेंट्स कैसे मिलती हैं, हमारे पास जो है डाटा अवेलेबल नहीं था बोला गया, अब इससे हम जो है ना डाटा कंट्रोल करेंगे, डाटा को मॉनिटर करेंगे, और आप देखिएगा हर इंसान के पीछे 5-5 रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये बड़े बड़े दावे इस अवाम से किए गए इस पाकिस्तान कप के चैंपियंस कप के बारे में। थर्ड क्लास
क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बोर्ड को ये जो एडवाइस दी थी ना कि यार ये टूर्नामेंट करवाते हैं, वो एडवाइस बेसिकली इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए की थी कि हम मेंटोर बन जाएंगे, हमें नोट मिल जाएंगे, हमें 50-50 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, बाढ़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, 50-50 लाख रुपए महीने का 50-50 लाख रुपए। और सुनने में ये आया है, अगर मैं गलत हूं तो जरूर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर कर सकता है इस चीज के ऊपर। हमारे भी जराए ने बताया है कि ये जो 50-50 लाख जो मैं कहता हूं इनका लेवल ही नहीं है कि इनको 50 लाख रुपए महीना दिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी सुना है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके अंदर जो पर डे के जो पैसे हैं इन मेंटोर्स को तकरीबन 60-65 हजार रुपए पर डे मिल रहा है जब तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा। सोचें पर डे के हिसाब से इनको ये पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि ये जो महीने का मंथली जो उनको 50 लाख मिल रहे हैं इसमें ये भी मुझे पता चला है कि सिर्फ महीने में 24 घंटे काम करेंगे। 24 घंटे का मतलब आप समझ गए ना कितने दिन बनते हैं, सिर्फ महीने में 24 घंटे काम करेंगे और पूरे महीने के 50 लाख रुपए ये लेंगे। हाल चेक कर लो इस मुल्क का, जहां पे खाने के पैसे नहीं है वहां पे इस तरीके से इन मेंटोर्स को पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद जो हिसाब लगा लो, वो जो कोचेज हैं, वो सब कुछ है, क्या क्वालिटी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि ये मिनी पीएसएल है, बल्कि तमाम कप्तान जो इसमें खेल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मिनी पीएसएल है। और जो क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हैं वो भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, मगर सभी क्रिकेटर्स बात को मानने को तैयार नहीं है। इसमें खिचड़ी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल सभी क्रिकेटर्स का रोना धोना काफी हद तक ठीक है। मुझे भी डर इस बात का लग रहा है कि अगर इस चैंपियंस कप से हमने डिसाइड करना है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे होना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कैसे करनी है, ये सब होने हैं, तो मामला बड़ा खराब है। उसकी वजह यह दोस्तों कि एक पिच वैसी है, दूसरी बॉलिंग क्वालिटी वैसी है, हर टीम के अंदर एक आधा अच्छा बॉलर तो है। जैसे आप रिजवान की टीम में देख लें, उसमें नसीम शाह वो बॉलर हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, अगर शाहनवाज धानी भी उसमें खेलते हैं और भी एक आधे हैं, बट वो मजेदार नहीं रहता। और पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स देख लें, तीन खेले हैं, अगर हम कल की मैच की बात करें उसामा खेले हैं, जाहिद खेले हैं, शताब खान खेले हैं, इनमें से कोई एक जो आपको थोड़ा सा बेहतर लगे। फिर एक मुबसर खान है जो स्पिन ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, सर स्पिन करते हैं, वो ए टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कोई उनसे खास उम्मीद नहीं है। कल एक अब्दुल समद एक नए आए हैं जिन्होंने थोड़ी यूनो की अच्छी इनिंग खेली, लोग कहते हैं वो ऑलराउंडर है, बड़े अच्छे ऑलराउंडर है। मैंने उनका फर्स्ट क्लास करियर चेक किया तो एक विकेट है उनकी, तो ऑलराउंडर तो वो है नहीं, वो बैट्समैन है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है चैंपियंस कप लाकर, कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं अब वो बोलना शुरू कर दिए हैं कि पीसीबी हमारे खिलाड़ियों के साथ धोखा कर रही है चैंपियंस कप कराकर। क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहली बात पता है कि अगर जिस तरह से पाकिस्तान टीम की करंट टाइम में सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पर, पूरी दुनिया में नाक कटवा दिए हैं, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में मतलब एसोसिएट टीम USA से हारे, अभी रिसेंट में बांग्लादेश की टीम इन्हें घर में ही वाइट वॉश करके गई है, उसको हार को छुपाने के लिए अब ये चैंपियंस कप नाम का एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं जो मतलब उस हार को छुपा रहे हैं, ऐसा मानना है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जितने भी हैं उनका। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि अगर हम इस टूर्नामेंट की तरफ से मतलब हाइप बना देंगे पाकिस्तान में, तो कोई उस हार का जिम्मेदार पीसीबी को नहीं ठहराएगा, बल्कि जितने मेंटोर हैं जो मतलब पांचों टीमों को लीड कर रहे हैं उनके ऊपर टाल दिया जाएगा कि मतलब इनके रहते हुए हमारी मतलब जो खिलाड़ी हैं मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस बेसिस पर ये इंटरनेशनल लेवल में सिलेक्शन करेंगे। और आपको बता दें कि अभी जो टेस्ट हो रहा है WTC का फाइनल होगा उसके लिए पूरी तरीके से भूल गए हैं, अभी इंग्लैंड की टीम आएगी इनके वहां उसके लिए भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब इंग्लैंड सीरीज से पहले इतना बड़ा मतलब जो चैंपियंस कप का नाम से जो 50-50 ओवर का टूर्नामेंट है उसको करा रहे हैं। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को कहना है मतलब पीसीबी का कहना है कि हम मतलब अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि हमारा होम इवेंट है और हम उसे जीतना चाहते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।